चंबा पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ता लंगेरा मार्ग पर स्थित लेंद्री खड्ड पर बना पुल काफी दयनीय स्थिति में है, जिसमें कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई है। पुल पर हर दिन सैकड़ों वाहन गुजरते हैं, जिसमें बस, ट्रक और भारी वाहन भी शामिल हैं। डलहौजी का पीडब्ल्यूडी विभाग तो जैसे आंख मूंद कर बैठा हुआ है और किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। इस पुल से 10 किलोमीटर की दूरी पर परगाल में पीडब्ल्यूडी का ऑफिस भी है, पर वहां पर मौजूद अधिकारियों के पास इतना समय नहीं है कि वे अपने आसपास की सड़कें और पुल की स्थिति का जायजा ले सकें। जब इस बारे में हमारे संवाददाता नीतीश शर्मा ने पीडब्ल्यूडी के एक्शन से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। दिखाया पुल का, उसमें आपने देखा कितना टूट चुका है पुल, तो वहां पर सर ये जो सिलेंद्री नाला पर बैली ब्रिज बनाया हुआ है, ये काफी पुराना है, मतलब 25-30 साल पहले बनाया गया था ये, तो इसमें कुछ रिपेयर की ज़रूरत है। मैंने खुद भी इसकी इंस्पेक्शन की है और कुछ इसमें से बोल्ट वगैरह की कमी पाई गई है, तो वो उसके हमने उसके अरेंजमेंट के लिए एक्शन मैकेनिकल को भी लिखा है, एसडीओ मैकेनिकल चंबा को लिखा है कि इनको जल्दी से अरेंज करके इसको रिपेयर की जाए, वो भी इंस्पेक्शन कर गए हैं। तो हमने फिलहाल उसमें पुल के दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर लगा दिए हैं, उस पर नोटिस लगा दिया कि 9 टन से अधिक का इसमें कोई वाहन ना जाए, और कुछ बोल्ट हमें मिल गए थे उसमें थोड़े हमने लगा भी दिए हैं, तो इसमें इस पुल को रिपेयर करने की ज़रूरत है और हम जल्दी इसको रिपेयर कर देंगे। तब तक हमने इंश्योर कर रहे हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा भार ले जाने वाले वाहन हैं वो ना जाए। इस पुल, इस स्थान पर एक नया पुल बनाने की ज़रूरत है, जिसके लिए सेंक्शन, ये पुल सेंक्शन हो चुका है, उसके लिए 4,11,00,000 रुपए का एस्टीमेट डबल लेन ब्रिज का सेंक्शन हो चुका है, टेंडर भी हो चुका है इसमें, और जल्दी मेरे ख्याल में 5-10 दिन में इसको कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड हो जाएगा ये काम। इस स्थान पर नया पुल बनेगा जो कि इसका परमानेंट सलूशन होगा, तब तक हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको जल्दी से रिपेयर करवा के, ताकि उसको ट्रैफिक, तब तक जब तक नया पुल नहीं बन जाता तब तक उसको उसको अच्छी तरह से उसको मतलब सेफली व्हीकल जा सके। सर वहाँ पर आपने एक बोर्ड लगाया कि वहाँ पर 9 टन से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, आपको वहाँ पर सर कोई है पीडब्ल्यूडी का? वहाँ हमने 24 घंटे तो आदमी नहीं लगाया हुआ है, लेकिन दिन में हमारे वहाँ आदमी होते हैं जो अगर रिपेयर भी कर रहे हैं वो उनको रोकते हैं कि जो उसमें कोई बड़ा वाहन आए तो उसको रोकते हैं। बाकी बोर्ड लोगों को खुद चाहिए कि वहाँ पर वो ना निकले, अब हमारे पास दिन रात के लिए तो नहीं है फिलहाल, लेकिन हम कोशिश करेंगे जल्दी इसको रिपेयर कर दें ताकि बड़े वाहन भी आसानी से वहां पर गुजर जाए। हिमाचल एक्सप्रेस विभाग से अपील करता है कि जल्द से जल्द इस पुल को ठीक किया जाए ताकि यहां पर कोई बड़ी घटना ना हो सके। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए चंबा से नीतीश शर्मा की रिपोर्ट।